नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपका अपना परविंदर सिंह। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे 12वीं क्लास की भूगोल में, हमारा जो टॉपिक चल रहा था कृषि, और सबसे पहले हमने पढ़ा था भारतीय कृषि की विशेषताएं और फिर कृषि की जो भारतीय कृषि की समस्याएं हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कृषि के प्रकारों के बारे में। तो सबसे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब हम भूगोल पढ़ते हैं तो कृषि बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है हमारे लिए। इसका भी एक रीज़न है कि जब जिस अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से वहाँ का मुख्य साधन कृषि हो, तो हम उसके बारे में अगर नहीं जान पाएंगे तो हम शायद भूगोल में उन महत्वपूर्ण चीज़ों को जानने से वंचित रह जाएंगे। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को चुना है और मैं आपको उसके बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात आपके दिमाग में ये उठती होगी जहन में कि कृषि कितने प्रकार की होती है भारत में और क्या क्या सिस्टम रहता है। तो भारत में कृषि 7 तरह की होती है, 7 प्रकार से खेती की जाती है, जिसमें मुख्यतः होती है निर्वहन कृषि, मुख्यतः होती है निर्वहन कृषि। और निर्वहन कृषि को भी 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया, 2 भागों में, सॉरी 3 नहीं 2 भागों में बांटा गया। तो भारतीय जो कृषि के प्रकार है, मैं उसको एक चार्ट से आपको समझा देता हूँ। भारतीय कृषि को हमने डिवाइड किया है, तो कृषि का जो सबसे पहला प्रकार मैंने बताया था निर्वहन कृषि। कौन सा प्रकार था? निर्वहन कृषि। निर्वहन कृषि को मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाने जा रहा हूं। निर्वहन कृषि जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। वैसे 7 प्रकार की कृषि, उसके बारे में सारों के बारे में डिटेल से बताता दूंगा। सबसे फर्स्ट हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो निर्वहन कृषि है, और निर्वहन कृषि 2 प्रकार की होती है। निर्वहन कृषि 2 प्रकार की होती है, एक है आदिम निर्वहन कृषि जो पुराने काल से चली जा रही है, आदिम निर्वहन कृषि, और नंबर 2 आदिम निर्वहन कृषि जो हमारे प्राचीन काल से चली जा रही है, और दूसरी है गहन निर्वहन कृषि। इन 2 प्रकारों के बारे में हम लोग, जो कृषि के 2 मुख्य प्रकार है। अब जो आदिम निर्वहन कृषि है ये भी क्या है, 2 भागों में बांटी गई है। आदिम निर्वहन कृषि को भी 2 भागों में बांटा गया है। नंबर एक तो बेटा है स्थानांतरित कृषि, और नंबर 2 है स्थाई कृषि। नंबर 1 है स्थानांतरित कृषि और नंबर 2 है स्थाई कृषि। और गहन निर्वहन कृषि है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। गहन निर्वहन कृषि को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है चावल गहन कृषि और नंबर 2 है गेहूं गहन कृषि। गेहूं गहन कृषि। तो अब सबसे पहले आपके दिमाग में उठता है कि निर्वहन कृषि है क्या। निर्वहन शब्द से ही तात्पर्य अपना अर्थ निकलता है। निर्वहन का अर्थ जो है वो शब्द से ही निकल के आ रहा है हमारे सामने कि निर्वहन कृषि का अर्थ क्या होता है। निर्वहन कृषि का मतलब इतना ही है कि परंपरागत खेती करते थे और परंपरागत खेती में केवल हमारा जीवन यापन करना था, वही उद्देश्य होता था, उसको निर्वहन कृषि कहा गया। उसको क्या कहा गया? निर्वहन कृषि कहा गया। पुराने तरीकों का इस्तेमाल करते थे खेती के लिए और उसी के आधार पर क्या करते थे, हम लोग हमारी खेती करते थे। और आदिम निर्वहन कृषि को पुराने तरीके से करने की वजह से, उस समय क्या था, आधुनिक कृषि यंत्र नहीं थे, बैल चलाकर खेती करते थे या आदमियों की सहायता से खेती की जाती थी, उसको क्या नाम दिया गया, ग्रहण निर्वहन कृषि का नाम दिया गया। ये भी 2 प्रकार की थी, पुराने समय में की जाती थी।
स्थानांतरित किसी भी होती थी, जैसे 4 साल यहाँ खेती कर ली, कुछ जंगलों को काटा, वहाँ हमने खेती कर ली, उसको 4 साल बाद क्या हुआ, वो कबीले वहाँ से निकलते दूसरे जगह चले जाते, तो वहाँ वो नई जमीन तैयार करते, वहाँ खेती करते। यानी पहले वाली जो खेत जमीन होती थी उसकी उर्वरा शक्ति को कम हो जाती थी तब तक, और वो क्या करते, दूसरी जगह जाकर नई खेती करते। यानी उसके लिए उन्होंने खाद वगैरह का उपयोग करना नहीं सीखा था, इसलिए इसको स्थानांतरित कृषि कहा था। और पुराने समय में थी जो स्थायी कृषि थी आदिम, तरीके तो वही थे, बैल से होती थी, पुराने तरीके से की जाती थी, पुराने सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता था, आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल नहीं था, आधुनिक यंत्र नहीं थे, लेकिन उसमें पुराने तरीकों में एक जगह फिक्स जगह पर की जाती थी, और कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था जैसे गोबर की खाद वगैरह है, उससे क्या करते थे, ये कृषि की जाती थी, तो इसको स्थायी कृषि कहा जाता था। जो दूसरा जो इस कृषि का प्रकार है वो गहन ऋषि, पहले तो एक तो आदिम निर्वहन कृषि है, और दूसरी ये गहन निर्वहन। गहर का मतलब गहराई से, मतलब बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन लेने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसको गहन कृषि कहा जाता है। तो गहन कृषि में हम लोगों ने 2 तरह गहन कृषि पढ़ी, नंबर 1 तो है चावल गहन कृषि, नंबर 2 है गेहूं गहन कृषि। तो जो चावल गहन कृषि थी वो चावल प्रधान क्षेत्रों में होती है, जैसे फॉर एग्जांपल पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है वहां, बिहार का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, पूर्वी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, या पूर्वी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, या जो तटीय मैदान है वहाँ ये खेती होती है, उसको चावल गहन कृषि कहा जाता है। यहाँ चावल मुख्य फसल होती है और साल में 2 या 3 बार चावल का उत्पादन किया जाता है। दूसरी है गेहूं प्रधान कृषि, दूसरी क्या है, गेहूं गहन कृषि, ये उन क्षेत्रों में होती है जहाँ गेहूं का उत्पादन अधिक होता किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए पंजाब जैसे है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी मध्य प्रदेश है, राजस्थान या प्रायद्वीप के पठार जो महाराष्ट्र क्षेत्र में पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में होती है, जहाँ वर्षा की कमी रहती है, वर्षा कम रहती है वहाँ गेहूं की खेती की जाती है, जहाँ वर्षा कम रहती है वहाँ गेहूं की खेती की जाती है। और गेहूं के बाद उसमें कपास है, बाजरा है, ज्वार है, ये फसलें भी उगाई जाती है। और यहाँ सिंचाई के साधनों को विकसित किया गया है, यानी वर्षा तो कम होती है लेकिन यहाँ सिंचाई के साधनों को विकसित करके, ट्यूबवेल लगा के, वर्षा जल का संग्रह करके, नहरों के माध्यम से खेती की जाती है। ये जो खेती की जाती है इसको गेहूं गहन कृषि कहते हैं। मतलब कृषि के जो प्रकार बताए 7 प्रकार, उसमें पहला प्रकार है जो निर्वहन कृषि का है, और निर्वहन कृषि को 2 भागों में बांटा गया, मैं क्लियर कह दूं, पहली आदिम निर्वहन कृषि और दूसरी गहन निर्वहन कृषि। और आदिम निर्वहन कृषि को हमने 2 भागों में बांट दिया, स्थानांतरित कृषि और स्थायी कृषि में, और गहन निर्वहन कृषि को भी 2 भागों में बांट दिया, चावल गहन कृषि और गेहूं गहन कृषि। तो ये हमारी पहली जो प्रकार था कृषि का वो था निर्वहन कृषि। अब जो दूसरा प्रकार है कल व्यापारिक कृषि, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तीसरा प्रकार है शुष्क कृषि, उसके बारे में पढ़ेंगे। आद्र कृषि के बारे में पढ़ेंगे। 7 प्रकारों के बारे में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। मैं छोटे छोटे टॉपिक लेकर इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए, और रेगुलर आपको टॉपिक्स जो करवाने का प्रयास है ताकि आपका एक लेसन 7-8 बार में पूरा हो जाए, और आप लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। और आप परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करिए कि आपका स्कूल जल्दी खुल जाए और हम लोग आपसे जल्दी रूबरू हों। थैंक्स अगेन आप सभी का धन्यवाद। और आपने जितना भी काम मैं करवा रहा हूँ उसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करें, क्योंकि आपके पास समय कम रहेगा और बोर्ड एग्ज़ाम में आपका सिलेबस बहुत होगा, और मुझे आपसे आशा और उम्मीद है कि आप अच्छे अंकों के लिए प्रयास करेंगे, और जल्दी ही हमारा आसपास का जो माहौल सही होगा और हम लोग इस COVID-19 से बचते हुए जल्दी भी स्कूल में आप सब लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद।